भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह रावत और जिन्हें हम आप और सारा हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद जी खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह जी कोशियारी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, यहां के प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी और इस रैली के संयोजक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हरवंश जी कपूर, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लगभग 25 वर्षों से 30 वर्षों से मैं उत्तराखंड में आ रहा हूं, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने अपने आंखों के सामने कभी नहीं देखा था जो आज यह मैं दृश्य देख रहा हूं। सचमुच यह जनसभा नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि यह जनसैलाब इस समय अपनी आंखों के सामने उत्तराखंड की धरती पर, इस देवभूमि पर मैं देख रहा हूं। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, फूलों की हार पहनाई है और यहां की पहचान ये टोपी भी हम लोगों के सिर पर आपने पहनाई है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की एक परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस देवभूमि पर मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप यह भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज यह पुण्यतिथि है। कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल? जिन्होंने इस हिंदुस्तान की 565 रियासतों को एक करके भारत की एकता और अखंडता को कायम करने में कामयाबी हासिल की थी, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज यह पुण्यतिथि है। मैं अपनी तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई। इनकी सोच थी और इनकी पहल थी कि बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान की तरुणाई ने आज हिंदुस्तान की सड़कों पर आकर लाखों और करोड़ों की संख्या में दौड़ने का काम किया है और 1150 स्थानों पर आज दौड़ हुई है, जिसका नाम दिया गया है रन फॉर यूनिटी, यानी देश की एकता के लिए दौड़ो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सोच देने का काम किया है तो हमारे नरेंद्र भाई ने किया है। ऐसी पहल भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई ने किया है। और आपको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि उन्हीं की सोच और उन्हीं की पहल का यह परिणाम हुआ है कि आज जो हिंदुस्तान की सड़कों पर दौड़ हुई है, बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में ही यह सबसे बड़ी दौड़ नहीं मानी जा रही है, बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ रन फॉर यूनिटी मानी जा रही है, जिसकी कल्पना नरेंद्र भाई आपने दी है। आप बधाई के पात्र हैं और इस बात को आपने सिद्ध कर दिया है, संदेश देने में सिद्ध कर दिया है कि जहां पर राष्ट्रीय मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल खड़ा होगा, इस हिंदुस्तान का नौजवान केवल खड़ा ही नहीं होगा बल्कि भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वह अपने सीने का बटन खोलकर दौड़ने को भी देश का जवान तैयार रहेगा। यह संदेश देने में आपने कामयाबी हासिल की है। आज इतनी बड़ी जनसभा को जब मैं संबोधित कर रहा हूं बहनों भाइयों, तो सचमुच मुझे या इस उत्तराखंडी आपदा के कारण तबाही मच गई थी पूरे खंड में, हालात पैदा हुए थे आप सबको जानकारी है, सारी देश को इसकी जानकारी है। आज मुझे याद आ रही है ऐसे 5000 से अधिक लोग जो कि इस उत्तराखंड की तबाही में, उत्तराखंड के प्रलय में काल कवलित हो गए।
आज मुझे उनकी भी याद आ रही है जो आज भी गुमशुदा हैं, पता नहीं चल पा रहा है कहां से आए थे और कहां चले गए, उनकी भी हमको याद आ रही है। मैं भूल नहीं सकता अपने सेना के जवानों को, मैं भूल नहीं सकता आईटीबीपी के जवानों को, मैं भूल नहीं सकता एनडीआरएफ के जवानों को, मैं भूल नहीं सकता उन अर्धसैनिक बल के जवानों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, जो लोग भी इस आपदा में फंसे हुए थे 37,000 से अधिक लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बड़ी संख्या में हमारे ऐसे सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल शहीद हो गए। बहनों भाइयों, इस अवसर पर जबकि यह उत्तराखंड के इतिहास की पहली इतनी बड़ी रैली हो रही है, मैं अपनी तरफ से एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीश झुकाकर उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, क्या किया है यहां की कांग्रेस की सरकार ने? आज भी लोग पुनर्वास और राहत की बात जो हो रहे हैं, 10,000 से अधिक ऐसे परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक राहत और पुनर्वास का लाभ जो मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिल पाया। 300 से अधिक ऐसे गांव हैं जो आज भी संपर्क मार्गों से कटे हुए हैं। क्या इसीलिए बबुआ जी इस उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी? केवल एक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी से अधिक थे बहनों भाइयों, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो शुचिता की राजनीति करने वाली है, जो सिद्धांतों की राजनीति करने वाली है। यदि हमें बहुमत हासिल नहीं हुआ है तो हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे, और हमने विपक्ष में बैठने का फैसला किया, और हमारे अजय भट्ट इस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम चाहते तो तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। और इस कांग्रेस पार्टी ने तोड़फोड़ कर, जोड़ तोड़ करके यहां पर सरकार बनाई है, और आज उत्तराखंड की जनता यह त्राही त्राही कर रही है। कब इन्हें सुविधाएं प्राप्त होंगी? लेकिन मैं यहीं पर याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको इस बात की जानकारी होगी 2001 में बहनों भाइयों गुजरात के कच्छ और भुज में भी ऐसी इससे भी बड़ी एक प्राकृतिक आपदा आई थी, भूकंप आया था, हजारों की संख्या में लोग काल कवलित हो गए थे, कच्छ और भुज के शहर मैदान बन गए थे, मैदान ही नहीं खंडहर बन गए थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं गुजरात की सरकार को, मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र के मुख्यमंत्री है, जाकर कोई देख ले गुजरात का सबसे विकसित क्षेत्र यदि बना हुआ है तो हमारा कच्छ और भुज बन गया है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी यह काम आप इस उत्तराखंड में नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? बहनों भाइयों, कांग्रेस इसे हिंदुस्तान के लिए बोझ बन गई है, बोझ को उतारो। आप जानते हैं विगत 9.5 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने किया क्या है? दिल्ली में भी इनकी सरकार है और उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है। जब से आए हैं महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है, साग सब्जी की कीमत बढ़ाई है, कीमत बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है, चूल्हे की आग की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी, क्या किया है यहां के लोगों के साथ? अरे इस हिंदुस्तान में 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी सरकार चलाई है बहनों भाइयों। कौन मां कालाल इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की तो भारत माता के लाल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री उस समय कहने को मजबूर हो गया था, यदि हिंदुस्तान में
ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व की सरकार आगे भी यदि आ जाए तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि 2020 तक भारत यह विश्व की सबसे बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सारे विश्व के अर्थशास्त्रियों ने यह विश्वास व्यक्त किया। लेकिन आप निराश मत होना, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि निराश मत होना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने का काम किया है, वैसे ही आज हमको एक शख्सियत मिल गई है जो गुजराती मां की कोख से पैदा हुआ है और आज हिंदुस्तान की जनता का लाडला बन गया है, प्यारा बन गया है, ऐसे ही हमारे नरेंद्र भाई। मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र भाई जैसे शख्सियत को, काल्पनिक क्षमता के धनी व्यक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति को सचमुच 5 से लेकर 10 वर्षों का केवल अवसर यह हिंदुस्तान की जनता दे दे तो 10 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत यह विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। बहनों भाइयों, महंगाई बढ़ाई है कांग्रेस की सरकार ने, भ्रष्टाचार, जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार के एक नए कीर्तिमान इस कांग्रेस की हुकूमत ने कायम किए। मैं सारे भ्रष्टाचारों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मिला जुला कर लोग बताते हैं कि 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज मैं इस देवभूमि वीरभूमि पर खड़ा हूं। बहनों भाइयों, रक्षा सौदों के में, रक्षा उपकरणों की खरीद में, रक्षा सौदों में भी दलाली कब से खाई जा रही है। बोफोर्स का मामला हो, चाहे वह हेलीकॉप्टर की खरीद का मामला हो, अथवा जल जो वाहक होते पोत जिन्हें कहते हैं उनकी खरीद का मामला हो, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन सच्चाई यह है, आप भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल अपने दिल से पूछना बहनों भाइयों, जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन 6 वर्षों तक जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है किसी मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आपने देखा एक ताबूतों की खरीद के मामले का आरोप लगाया था इन लोगों ने, सीबीआई जांच चल रही थी, सीबीआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी अदालत में, अदालत ने उसे खारिज कर दिया, कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, देश के सैनिकों से आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्या किया आपने। लेकिन देश के जवानों का न तो जिंदा रहते हुए न उनके शहीद हो जाने के बाद भी यह सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान करना नहीं जानते। बहनों भाइयों, पाकिस्तान देखा है आपने, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारे सेना के जवान, उनका पाकिस्तान के सेना के जवान घुसकर सिर धड़ से अलग करके चले जाते हैं, और एक हमारे सेना के जवान का की हत्या करने के बाद उसका शरीर कुचल देते हैं, और यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या यही हिंदुस्तान है? बहनों भाइयों, सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के मान सम्मान, स्वाभिमान, देश की सुरक्षा का सवाल जब भी देश के सामने खड़ा हुआ है, हमारे सेना के जवानों ने सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला किया है, विजय हासिल की है। अरे एक बार हमारे सेना के जवानों को खुला हाथ छोड़ो, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। क्या कर रखा है? वन रैंक हमारे सेनावृत्त सेना के जवान मेजर जनरल भुवन चंद जी खंडूरी बैठे, वन रैंक वन पेंशन, इसकी भी सुविधा, 9.5 वर्ष गुजर गए, आज तक हमारे सेना के जवानों को नहीं मिली। यही सेना के जवानों का सम्मान है। आपका राज्य बहनों भाइयों नेपाल और चीन का पड़ोसी है, यह आपका ही राज्य नहीं मानता हूं,
इसे मैं अपना राज्य भी मानता हूं क्योंकि मैं यहां का भी मुख्यमंत्री रह चुका। इस राज्य के साथ हमारे रिश्ते हैं, इस राज्य के साथ हमारे संबंध हैं। जो संबंध थे हैं और रहेंगे वह संबंध और रिश्ते कभी टूट नहीं सकते हैं बहनों भाइयों। मैं जानता हूं चीन क्या कर रहा है, 1962 में विजय प्राप्त की भारत के ऊपर, कैसे भारत पराजित हुआ, इसके लिए हेंडरसन और ब्रुक्स की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट आ चुकी है बहनों भाइयों, आज तक देश की जनता के सामने नहीं रखा गया किन कारणों से 1962 में पराजित हुआ। आज भी 50 वर्षों के बाद भी, 1962 से 50 वर्ष हो चुके हैं, आज भी हम पराजय का दंश झेल रहे हैं। क्यों नहीं हेंडरसन ब्रुक्स की इंक्वायरी कमेटी की रूप की रिपोर्ट इस देश के लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है, कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से हमारी पराजय हुई है, नहीं किया जा रहा। सामान्यतः 25 वर्षों के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो जनता के सामने ला दिया जाता है, उसे पब्लिक कर दिया जाता है, आज तक नहीं किया। आज चीन भी जो जो हरकतें हमारे साथ कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। 12 होती उत्तराखंड का है, क्या 62 में 12 होती तक चीन की सेना नहीं आ गई थी? और हमारे प्रधानमंत्री जी 23 अक्टूबर को बीजिंग में जाकर इन्होंने एक समझौता कर लिया चीन की सरकार से कि यदि चीन की सेना भारत की सीमा में आ जाती है और भारत की सेना चीन की सीमा में चली जाती है, उन्हें खदेड़ो मत, उन्हें पीछा मत करो, बल्कि सीधे हाथ जोड़कर कहो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहां पधारे, आप वापस चले जाइए। बहनों भाइयों, इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, कांग्रेस के जाने का समय आ गया है। आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए, नरेंद्र भाई आपकी लोकप्रियता की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, हमारे राज्य के नेताओं ने जहां अच्छा काम किया वहीं पर आपने भी जो कुछ भी एक विश्वास इस देश की जनता के सामने पैदा किया। 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब रही है बहनों भाइयों। कांग्रेस मिजोरम में आ गई है, मिजोरम में, लेकिन आप जानते हैं जब कोई दौड़ होती है, मेरे नौजवानों आप जानते होंगे कि जब कोई दौड़ होती है तो दौड़ में जो जीत नहीं पाता है उसको एक सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, कंसोलेशन प्राइज जिसे बोलते हैं, वह कंसोलेशन प्राइज इनको मिला है। और कांग्रेस की हालत सुनेंगे, कांग्रेस दिल्ली में 8 विधायक उनके जीत कर आए हैं, पिछली बार 40 से अधिक थे, कांग्रेस के इतने विधायक जीत कर आए हैं कि एक इनोवा गाड़ी अथवा सफारी गाड़ी में बैठकर उनको विधानसभा पहुंचाया जा सकता है, इतनी बड़ी संख्या में विधायक उनके चुन कर आए। और मैं सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप इस देश के संकेत को समझिए, देश के संदेश को समझने की कोशिश करिए, देश की जनता ने यह संदेश दे दिया है, सिंहासन खाली करो, कि देश की जनता आती है भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर आती है और नरेंद्र मोदी को आगे करके आती है, यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है। आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, और आज जितनी बड़ी संख्या आज मुझे उत्तराखंड के मैदान में दिखाई दे रही है, मैं नरेंद्र भाई से चर्चा कर रहा था, पहले मुझे उम्मीद थी कि शायद थोड़ी बहुत संख्या 40,000-50,000 उत्तराखंड में हो जाए बहुत बड़ी, अरे आज तो यहां का लाखों का दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। क्या बहनों भाइयों, क्या मेरे नौजवानों, क्या मेरी माताओं बहनों, क्या हमें यह विश्वास नहीं दे सकते? क्या नरेंद्र भाई को यह विश्वास देकर आप नहीं भेज सकते? क्या आप जाओ, एक मिनट, आप जाओ और आपको उत्तराखंड की 5 की 5ों सीटें आपकी झोली में डालकर भेजेंगे, क्या यह विश्वास आप नहीं दे सकते? बहनों भाइयों, 5 सीटों ही हम लोगों की झोली में डाल दीजिए, मैं यही अपील करते हुए
और पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।